ये अच्छी होती हैं। Hey guys, welcome back to my channel. Banjli. Hi guys. तो हम जा रहे हैं चांदनी चौक चुनमुन के शेरवानी लाने के लिए। आप सब शादी में सादर आमंत्रित हैं। बस हम निकल चुके हैं, अब चांदनी चौक पहुँच के हम मेट्रो से जाने वाले हैं, वैसे गाड़ी हम पार्क कर देंगे। तो अब आप मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी आगे क्या क्या होता है, तो बने रहेगा ब्लॉग में। तो घर से निकल के कुछ दूर चल के हमें करना था चांदनी को पिक। अब चांदनी को भी चांदनी चौक हमें लेकर जाना था, क्योंकि चांदनी है चुनमुन की बहन और भाई की शादी और बहन उसकी शेरवानी देखने में जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो चांदनी को भी जाना था। अभी चांदनी गई हुई थी कोचिंग, अभी हमें कोचिंग से पिक करना था। पहले हमने सोचा मेट्रो से जाएंगे, फिर ना मन नहीं किया मेट्रो से जाने का। फिर हमने सोचा चलो अब हम पार्किंग देख लेंगे कहीं ना कहीं, कहीं तो कार की पार्किंग मिल ही जाएगी हमें। तो हमने कहा चलो कार से ही चलते हैं, अब यहाँ से उतरो पार्किंग में लगाओ फिर मेट्रो से जाओ, इससे अच्छा तो कार से। तो मोहतरमा को लेके सीधा हम पहुंचे चांदनी चौक, जो आपको हाई कर रही है, आप भी इस मोहतरमा को हाई कर दीजिए। तो गाइस हम चांदनी चौक पहुंच गए और ना चांदनी चौक में चांदनी के साथ चांदनी चौक पहुंचे हैं। और यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग मतलब हमने देखी थी शुरू हो गई, वरना यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई, हमारी गाड़ी भी लग गई। तो चलिए अब चांदनी चौक चलते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या क्या नए स्टॉप आए। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरे साथ ये सब है। हम पूरी बटालियन जा रही है। अच्छा इसके ऊपर भी गाड़ी लगा सकता है, ये नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर गाड़ी मतलब ये नीचे आएगा। हाँ तो गाड़ी दबी जाएगी नीचे आएगा तो कैसे दबेगी वो? नीचे आएगा ये यहाँ से। अच्छा ये ऐसे दुबे खाली होगा, ये नीचे आ जाएगा गाड़ी इसके ऊपर। अच्छा हाँ जैसे ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए। हाँ ये भी ऐसे ऊपर मल्टी लेवल बना हुआ है, ये एग्जिट है। चलो बढ़िया है, पार्किंग खुल गई यहाँ पे। हाँ काफी सही, अब चांदनी चौक में टेंशन नहीं होगी पार्किंग करने की, इसके लिए लोग मेट्रो से आते थे। ओहो आराम से चलना पड़ेगा, फिसलन है यहाँ बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा ही फिसलन है। यहाँ पे सीढ़ियाँ सीढ़ी से भी कर सकते हैं नीचे। ब्लॉग में दिया वो निकास वाली बात, मैंने कहा था मेट्रो से निकलते, मैंने कहा चाची अब हम यहाँ से ना निकास करते निकास कर रहा सर, एक हिंदी में निकास ही बोलते हैं। मैम तू बड़ी अंग्रेज हो रही है, एग्जिट करती है। अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर, ठीक है? पहले वो हम नीचे अंदर गए, पुरानी दिल्ली है ये, मेरे यार बस इश्क मोहब्बत प्यार। हम ऊपर नहीं आए थे, अब ऊपर मल्टी लेवल चांदनी चौक में आप कभी भी आ जाइए और आपको भीड़ में मिले, ऐसा हो सकता है? स्पेशली आप सैटरडे संडे में आइए और भीड़ में मिले तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तब चांदनी चौक की जो वो है इज्जत की तौहीन हो जाएगी। भीड़ तो होना ही चाहिए। अब ये फेमस आपको घंटे वाले रेस्टोरेंट पर नहीं, कौन कौन से होटल है बहुत सारे मिलेंगे, पराठे वाली गली वगैरह मिलेगी, पर हमें उस ओर तो जाना ही नहीं था क्योंकि हम पहले खाने नहीं पहले शेरवानी खरीदने आए थे। तो यहाँ पे ना मैं अपने पति से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई। चांदनी चौक में छोटी छोटी गलियां हैं और उन गलियों के अंदर दुकानें हैं जिनमें आपको सामान मिलेगा। बाहर की दुकान से आप लोगे आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, फिर आप कहोगे चांदनी चौक तो फेमस था सस्ते कपड़ों के लिए और इतने महंगे महंगे कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको अंदर गलियों में वो दुकानें मिलेंगी जो पुरानी होती है, अगर पुराने कस्टमर हो तो फिर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो सबसे पहले हम पहुंचे चुनमुन की शेरवानी लेने। मैं बताऊंगी नहीं फाइनल कौन सा हुआ, आप बस अभी देख लो, फाइनल लुक तो शादी के दिन ही पता चलेगा। उसकी शेरवानी लेने के बाद हम पहुंचे चांदनी के लिए लहंगा सिलेक्ट करने। अब चुनमुन ने तो शेरवानी जल्दी सिलेक्ट कर ली, लेकिन चांदनी और लड़की है तो नखरे तो भाई लड़कियों के होते ही हैं, तो चांदनी को कोई लहंगा पसंद नहीं आता। दो चार लहंगा ट्राई करने के बाद चांदनी को जो चीज पसंद आई फिर चांदनी ने वो ली।
अब चांदनी ने कौन सा लहंगा लिया है ये भी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो भी शादी के दिन ही पता चलेगा, पर अभी बहुत सारे लहंगे ट्राई कर रही है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको उनमें से कौन सा लहंगा पसंद आ रहा है। आप कमेंट करके बताना कि आपको जो चॉइस ने किए लहंगे उनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा लगा, आप रहते इसी जगह तो आप कौन सा लहंगा लेते, ये ट्राई ये आप जरूर कमेंट करके बताना। क्या यहाँ पे लहंगों की बहुत वैरायटी मिल जाएगी, प्राइस बहुत अच्छे हैं, मतलब लहंगों के प्राइस भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, 5-6 के बीच में आपको बहुत आराम से बहुत प्यारे प्यारे लहंगे मिल जाएंगे। क्या मेरा एक पर्सनल फेवरेट ये वाला लहंगा था, मुझे बहुत प्यारा लगा, पर आप भी बता सकते हो कि आपको कौन सा प्यारा लगा। चांदनी ने पहले सिलेक्ट किया था, मतलब बहुत सारे लहंगे सिलेक्ट करे, अब जो उसके ऊपर सूट करा, जो उसको पसंद आया, जो दिल को भाया, बस उसने वही खरीदा। लहंगा खरीदने के बाद हम निकल आए बाहर, भाई इसी में हमें शाम हो गई थी और मैं अपने बच्चे घर पे छोड़ करके आई थी, और काम करते करते घूमते घूमते तो सबसे पहले भूख ही लगती है, तो सोचा पेट पूजा करने की बारी आ गई, चलते पेट पूजा कर लेते हैं। तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि चलो पहले हल्दीराम चलते हैं, वहां का खाना भी अच्छा है और मजा भी आता है वहां पर, मतलब बैठने के अरेंजमेंट वगैरह भी अच्छे, तो वहां चलते हैं। लेकिन हम ये भूल ही गए थे कि भैया आज तो है संडे, संडे के दिन क्या बैठने की जगह मिल सकती है हमें कहीं, वो भी चांदनी चौक में, भाई बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो हम गए, यहाँ कहीं जगह नहीं मिली, हम तीनों फ्लोर को छान आए, जब हम जगह नहीं मिली तो हम बाहर आ गए कि हम कहीं और ही जाते हैं, जगह न मिलने के कारण हम बाहर आ गए। अब बाहर जो है ना, बहुत सारे मैंने बोला आपको छोटी छोटी फेमस दुकानें हैं, तो एक जगह पे हमें कांजीवाड़ा मिलता है। अब ये कांजीवाड़ा क्या है आप सोच रहे होंगे, तो इस दुकान में ना बहुत फेमस है, इसकी वीडियोज भी बनाई है बहुत यूट्यूबर्स ने। कांजीवाड़ा होता है जिसका पेट खराब हो, हाजमा खराब हो, तो वो पी सकता है, वड़ा होता है और पानी होता है जल जीरे जैसा, उसको कांजीवाड़ा कहते हैं। यहाँ पे ऊपर जो है वो अंकल लगाते हैं, नीचे उनका बेटा कचौड़ी वगैरह देता है, तो ये दोनों अपना स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे। और ये कांजीवाड़ा जो राहुल ने लिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और सुमित ने लिया दही वड़ा, वही मुझे पसंद नहीं आया। ये फेमस दुकान में फेमस तो हो जाते हैं और पता नहीं क्यों फेमस होते, लेकिन टेस्ट जो है ना वो कभी इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इतना टेस्टी नहीं लगता, बस नाम है इसे चलता है। अब उसके बाद हम आ गए खाने के लिए पकौड़े, यहाँ पे रबड़ी फालूदा मिल रहा था, तो राहुल ने लिया रबड़ी फालूदा, मैंने लिया रबड़ी, उसके साथ पकौड़े मिल रहे थे जिसमें था पनीर पकौड़ा, मिर्ची के पकौड़े और वड़े, ये सब चीजें। तो हमने मिर्ची का पकौड़ा लिया और कुछ वड़े लिए। वो खाने के बाद हम निकल गए आगे, हमने सोचा घंटा वाला जो था वहां पे कुछ खा लेंगे, वहां पे चले जाते हैं क्योंकि भूख तो लग रही थी। लेकिन वहां पे भी जाने के बाद में बहुत भीड़ मिली, यहाँ पे हमने सोचा कुछ स्टॉल लेते हैं तो सस्ते मिलेंगे, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव बता रहे थे, जितना बाहर सदर में इससे ज्यादा सस्ता मिल जाता है। हम चांदनी चौक सदर आ रहे हैं यार, इतनी भीड़ में आ रहे हैं तो हम इसलिए आ रहे हैं कि चीजें सस्ती हैं जो बाहर बहुत महंगी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी अगर उसी रेट में देंगे तो हमारे आने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना सामान ढो ढो के इतने सारे लोग जाते हैं, उनको देख के तरस आता है, ठंड में इतना सारा सामान लेकर के मतलब काम करना ही पड़ता है यार, पेट के लिए इंसान कुछ भी करता है। तो हमने यहाँ पे मोमोज खाए थे बस, और कुछ भी नहीं खाया क्योंकि यहाँ पे कम भीड़ नहीं थी घंटे वाले उसके पास, तो मुझे मोमोज खाते हैं अब घर जाके कुछ खाया जाएगा। तो उसके बाद हम मोमोज खाए और हम निकल गए वापस अपनी पार्किंग की तरफ, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कहीं बाबू रो ना रहा, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पे। हमने बस पुच्चू के लिए उसके कान को ढकने वाला कोई होता है बच्चों वाला, वो खरीदा, और उसके बाद हम निकल के पार्किंग की तरफ। तो यहाँ पे पार्किंग बना के काफी अच्छा कर दिया इन्होंने, मल्टी लेवल पार्किंग बन गई है यहाँ पे, तो आप अब चांदनी चौक आराम से आ सकते हो। चांदनी चौक में सबसे बड़ी दिक्कत थी पार्किंग की, भीड़ होती थी तो हम पार्किंग की जगह ही नहीं मिलती थी। लेकिन नया बन रहा है, ऊपर जो है मॉल बनाएंगे, जिस तरह से इन्होंने कमला नगर में बना रखा है, अब दिल्ली से आप इन जगहों पे जाते हो तो आपको पता होगा कमला नगर में पार्किंग के ऊपर मॉल बना दिया है, वही चांदनी चौक में कर रहे हैं। अभी पार्किंग शुरू हुई है, ऊपर मॉल शुरू नहीं हुआ, हमने सोचा था मॉल शुरू हो गया तो मॉल भी देख कर आएंगे, लेकिन वो शुरू नहीं हुआ है। और चन्नी बहुत खुश है अपनी शेरवानी लेकर के, चांदनी भी खुश है अपना लहंगा लेकर के, मतलब कि लहंगा लड़कियां तो सजना सवरना ज्यादा वो करती है प्रिफर शादी में, लेकिन भाई की शादी में काम बहुत होता है। चांदनी की ना जो बैंड बजेगी काम करने में, वो तो उसी टाइम पता चलेगा जब मेहमान आ जाते हैं, और सारे मेहमान तो मेहमानों की तरह बैठते हैं, तो काम जो घर की लड़कियां थे वो करती है। जैसे मेरी शादी में मोना की बैंड बजी थी, और मोना की शादी में चांदनी ने और अंजलि ने बहुत संभाल था, इनकी बैंड बजी थी, तो ये सारी चीजें होती रहती है। खैर अब हम आ गए अपने पार्किंग की तरफ, यहाँ पे हम बैठेंगे अपनी गाड़ी में और हम चल देंगे अपने घर। वैसे मैं फर्स्ट टाइम था जब मैं सिद्धार्थ को घर पे छोड़ करके आई थी, मतलब मुझे लगा नहीं था वो रह जाएगा, पर मम्मी से फोन करके पूछा कि वो रह रहा है या रो रहा है, मम्मी ने कहा बिल्कुल नहीं रो रहा, वो आराम से रह रहा है, ऊपर खेल रहा है अपनी बहन के साथ, तो वो मजे से रहेगी। पुच्चू थी उसके साथ, तो पहले तो उठा तो उसको लगा कि यार कहाँ गया हूँ नानी के पास, मतलब उसको स्ट्रेंज लगा, वो रहता नहीं ना किसी के पास, तो अब ये मतलब इस तसल्ली मिली मुझे कि चलो यार वो रह जाएगा नानी के पास, मैं छोड़ सकती हूँ। अब हमारे अपनी कार के पास कार निकालनी है, और ये देखिए मल्टी लेवल में इस तरह से है कि ऊपर बना हुआ है वो नीचे आ जाएगा, फिर वो कार ऊपर चली जाएगी, फिर वो ऊपर हो जाएगा, कुछ इस तरह से लोगों ने मल्टी लेवल बना रखा है, तो काफी अच्छी अरेंजमेंट हो रखी है यहाँ पे पार्किंग की। तो चलिए हम भी निकल चुके हैं यहाँ से बाहर, और यहाँ से बाहर निकलते ही ना मौसम काफी अच्छा ठंडा ठंडा हो रहा था। वैसे मुझे ठंड का मौसम काफी ज्यादा पसंद भी है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंडा ठंडा मौसम रहता है, और आज जो था मतलब ठंड इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी, मौसम काफी अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ पे आने के बाद, घर पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले घुसी अपने शॉप में। हमारी फैक्ट्री है कपड़ों की, अगर आपको भी कुछ कभी ऑर्डर करना हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये शॉप है हमारा। अब यहाँ पे आकर के मैं देखी थी कि क्या क्या चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं। और पापा हमेशा ही कपड़े देते रहते थे, बचपन से ही हम ये अपनी फैक्ट्री में बहुत कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पे कुछ नए स्टफ्स भी आए हैं जिसमें कार्गो पैंट्स वगैरह है, जो कि काफी अच्छे फैब्रिक में है और मुझे बहुत अच्छा लगा। पर इसकी दिक्कत यह है कि लड़कों के बनावट में लड़कियों के कमर थोड़ा सा ज्यादा होता है लड़कों से, लड़कों का थोड़ा पतला होता है, तो ये बिल्कुल लड़कों टाइप नहीं है कार्गो। इसको मैं नहीं ले सकती थी, राहुल के लिए एक मैंने लिया था। बहुत ही अच्छे अच्छे स्टफ थे, तो मैं पहले देखने के लिए यहाँ पे रुक गई, क्योंकि मैं मतलब सोच रही थी कि आकर देखूंगी क्या क्या रखा है पापा ने, लेकिन देख नहीं पाई थी। अगर फैक्ट्री के माल होते हैं फैक्ट्री रेट पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री से ही आते हैं हमारे फैक्ट्री या टी शर्ट की और इन सब चीजों। यहाँ पे हमारे यहाँ ऑर्डर दिया जाता है जो कि बहुत बल्क में होता है, 1,00,000 का 2,00,000 का ऐसे पीस बनते हैं, इससे ऑर्डर दिया जाता है। तो अभी घर के नीचे एक दुकान खाली थी, तो थोड़ा सा आइडिया है पापा को कि यहाँ पे हम फैक्ट्री की चीजें उठा करके रख सकते हैं, उनको लेना होगा फैक्ट्री रेट पे ले लेंगे, और काफी अच्छे डिस्काउंट में जनरल रेट में आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर आप कभी खरीदना चाहोगे यहाँ से तो बिल्कुल खरीद सकते हो, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आपके पसंद की चीजें जैसे आपको चाहिए, ट्रैक सूट वगैरह बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लड़कों का स्टफ मोस्टली यहाँ पे होता है, लड़कियों का तो कम ही मिलता है, लेकिन हाँ हुडीज वगैरह लड़कियों के लिए भी अवेलेबल है, जो हमें बहुत सारी पहनी है अपनी फैक्ट्री की। तो काफी अच्छा स्टफ था यहाँ पे। ये सब चीज देखने के बाद मैं चल गई अपने बेटे से मिलने के लिए। अभी बच्चे से मिलना, बच्चे का इसका क्या रिएक्शन होता है। ऊपर था बाबू, देखो नाना के पास। अरे क्या थे, क्या थे, तुम नहीं रोया? नहीं रखा, नहीं रोया तुम्हें? टैटू एक बार भी नहीं पूछा साथ। माँ कैसे कहती है, म्याऊ म्याऊ। मुझे समझ नहीं आया, मुझे खुश होना चाहिए या दुखी? मेरे बेटे ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, वो बड़े आराम से अपने नानी की गोदी में बैठा हुआ था, उसको कोई मतलब नहीं था। तो ये चीज अच्छी भी है यार, अब थोड़ा सा इसको छोड़ के मैं जा सकती हूँ, थोड़ी सी फ्री हुई। अगर मैं सामने होती हूँ तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता, लेकिन अगर मैं नहीं थी तो बिल्कुल आराम से रहा था। देखिए यहाँ पे मामा के साथ ही बैठ के पता नहीं क्या चिड़िया उड़ा रहा था, समझ नहीं आ रहा था उसको क्या क्या बताया जा रहा था। यहाँ पे मेरे बड़े वाले जीजा जी भी आए हुए, उनको दिल्ली में कुछ काम था, और यहाँ चुनमुन की शादी के लिए ना कैमरामैन फिक्स किया जा रहा है, तो ये नेगोशिएशन चल रही है यहाँ पे कि भाई कितने दिन करना है, क्या करना है, कितने लेने, ये सारी चीजें हम सब बैठ के वही सारी चीजें सुन रहे हैं यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है। इसके बाद अब हमें घर भी निकलना था, क्योंकि शाम हो गई थी, तो बस हम घर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो गाइज आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।